concentration from Pearson High School. I took up in class 8. एक्सरसाइज 3.2 हमने कब 3.1 में कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे तो सपोर्टेड बाय हॉस्टेस एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं और एक एक्सटीरियर एंगल के बेस पे हम टोटल नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाल सकते हैं और सिर्फ साइड्स के नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किस टाइप से निकाल सकते हैं, उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज, एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? एंगल तो सबने पढ़ा है। चलिए हमने एक सिंपल सा काम किया, ए हमने क्वाड्रिलेटरल लिया है जिसका पेंटागन 1 2 3 4 5 फाइव साइड्स है, पेंटागन यस। इस स्ट्रक्चर के अंदर के जो सारे एंगल्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। स्ट्रक्चर के जो अंदर के एंगल्स हैं दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। और जो बाहर स्ट्रक्चर से बाहर के जो ये एंगल्स बन रहे हैं 1 दिस 2nd जो स्ट्रक्चर के बाहर है दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 नेम लेते हैं x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3 एंड दिस इज x4 एंड दिस इज x5 दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। स्ट्रक्चर के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं वर्ड एक्स से जो एंगल बन रहे हैं दीज आर कॉल्ड इंटीरियर और जो स्ट्रक्चर के बाहर बनते हैं दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। चलिए उसी के बेस पे फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स पता है तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है किसी भी टाइप का रेगुलर पॉलीगन है, चाहे 3 साइड्स हैं, चाहे 4 साइड्स हैं, चाहे 5 साइड्स हैं, कितनी भी साइड्स हैं, इनके टोटल एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा 360 होगा। साइड्स कितनी भी हो, साइड्स कितनी भी हो, जो टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 5 जिसमें 5 की 5 एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा ही 360 होगा, ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। ओके नंबर ऑफ साइड्स हम इस क्वेश्चन को करेंगे ही, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल 360 और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी पता है तो हम आसानी से नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है आपको 60 डिग्री, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स सिंपल फॉर्मूला 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, आंसर इज 6 साइड्स, मीनिंग 6 साइड का पॉलीगन है। क्लियर है, स्टेप्स निकाल सकते हैं। और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो हम उसकी नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं, अगर नंबर ऑफ साइड्स दिया है तो एक्सटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं। चलिए आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 ट्राइंगल है, इसमें थर्ड आपको एंगल निकालना है। हमें ये पता है कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑल्सो 360। टोटल 135 प्लस इसे मान लेते हैं x इक्वल टू 360 ना 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 x की वैल्यू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री 110 डिग्री इट्स योर आंसर। हमने इसलिए निकाल दिया, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है कि थ्री किसी भी स्ट्रक्चर के सारे या और एक्सटीरियर एंगल का जो समय हमेशा वो 360 होता है। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन है आपकी बुक का है, उसमें आपको इंटीरियर एंगल दिया है और नंबर ऑफ साइड्स पूछे। इस बात का आपको ध्यान रखना है इंटीरियर एंगल अप्लाई नहीं होगा, सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। हमें ये पता है कोई भी एंगल है अगर इस टाइप से बन रहा है, अगर ये एक्सटीरियर है ये इंटीरियर है, लेकिन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा। अगर इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। सर 50 डिग्री अब हम
of sides equal to 360 degree divided by 50 degree. ये आपके एक्सरसाइज 3.2 का आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है, क्लियर है? आपको इसी टाइप से अपने एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।